चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जंग दिलचस्प हो चली है। चिराग पासवान के तीन ट्वीट्स के एक एक शब्द को गौर से पढ़िए। पहला ट्वीट जिसमें चिराग लिखते हैं, पिछली बार आदरणीय लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और फिर उनको धोखा देकर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रातों रात मुख्यमंत्री बन गए। इस बार कहीं नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेकर फिर लालू प्रसाद के शरण में न चले जाएं साहब। इसके सिर्फ 5 मिनट बाद एक और ट्वीट चिराग ने किया। नीतीश कुमार जी ने साजिशन बीजेपी को पिछली बार लड़े 157 सीट की जगह कम सीटें दे दी। आज नीतीश जी को 121 सीटें चाहिए थी, वहीं अपने राजनीतिक गुरु के साथ 101 पर मान गए थे, लेकिन बीजेपी के साथ इन्हें 101 सीट से ज्यादा चाहिए। पहले बिहार को ठगा और अब बीजेपी को। फिर इस ट्वीट के 3 मिनट बाद चिराग ने एक और ट्वीट किया। चिराग ने इस ट्वीट में लिखा, जो भीतर घात आदरणीय नीतीश जी ने लोकसभा के चुनाव में लोजपा प्रत्याशियों के साथ किया था, वही अब वो भाजपा प्रत्याशियों के साथ कर रहे हैं। लोजपा के जैसे भाजपा के एहसानों को भूल मत जाइएगा, मात्र अपने कुर्सी की रक्षा के लिए बिहार के 5 वर्ष बर्बाद किए साहब। #असंभव नीतीश, मतलब नीतीश बीजेपी के साथ हैं, लेकिन नीतीश बीजेपी के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, बीजेपी के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। चिराग के इन 3 ट्वीट से साफ साफ पता चलता है कि चिराग नीतीश की मुश्किल कम नहीं होने देंगे। अब इससे पहले चिराग के एक और ट्वीट पर नजर डालिए जिसमें वो नीतीश कुमार को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। चिराग लिखते हैं कि विकास के कार्यों को क्रियान्वयन करने के लिए प्रदेश सरकार का ईमानदार होना जरूरी होता है। पिछले 5 साल में नीतीश कुमार जी के राज में अफसरशाही और 7 निश्चय में सिर्फ घोटाले हुए। चुनाव के बाद सरकार आते ही 7 निश्चय में हुए घोटाले की जांच करवाऊंगा और दोषियों को जेल भेजूंगा। मतलब इस बार चिराग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है नीतीश कुमार के दौर में हुए भ्रष्टाचार का, यानी जो नीतीश कुमार अपने सुशासन का डंका पीट कर दोबारा सीएम की तख्त पर काबिज होंगे, लेकिन उसी सुशासन की पोल खोल कर चिराग तख्त के पाए को काटने में जुटे हैं। चिराग नीतीश की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। चिराग ने नारा दिया है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। चिराग खुद को शेखपुरा, जमुई और मुंगेर का बताकर लोगों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन चिराग का यह दाव नीतीश के तमाम दावों पर कितना भारी पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।